नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ 7.1 एम्पलीफायर के रिमोट किट। ठीक है, देख लेते हैं बॉक्स के कंटेंट्स के बारे में। एक छोटा सा यूज़र मैनुअल मिल जाती है, ये फीचर्स वगैरह बता के एंड फंक्शंस वगैरह दिखाती है इसमें। एम्पलीफायर को कंट्रोल करने के लिए रिमोट, डिस्प्ले यूनिट, मेन डिकोडर बोर्ड, कनेक्टिंग वायर्स, RC सॉकेट एंड और भी कनेक्टिंग वायर्स, रोटरी एनकोडर। इसे कनेक्ट करके मैं ऑन करके बताता हूँ एंड देन इसके फीचर के बारे में बताता हूँ। डिस्प्ले यूनिट में मास्टर वॉल्यूम कंट्रोल कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ सोल्डरिंग लेस है, सिर्फ कनेक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट करना होगा। यानी मेन वायर को कनेक्ट कर लेते हैं डिस्प्ले यूनिट से एंड डिकोडर बोर्ड से। डिकोडर बोर्ड चलाने के लिए 12 वोल्ट सिंगल सप्लाई DC देना होगा एंड ये पावर केबल पे कनेक्ट कर लेते हैं। ग्राउंड एंड 12 वोल्ट एंड इधर से 8 चैनल के ऑडियो आउट निकलेगी। बाकी HDMI बोर्ड कनेक्शन के लिए एक जैक दिया हुआ है, बट वो बोर्ड अभी अवेलेबल नहीं है। ओके, ये बोर्ड का इनपुट आउटपुट देख लेते हैं। इसमें 3 डिजिटल इनपुट्स हैं एंड एक AC3 के 5.1 इनपुट, 2 स्टीरियो ऑक्सिलरी इनपुट है। डिजिटल इनपुट के थ्रू DTS एंड Dolby के ऑडियोस प्ले होंगे एंड बाकी जो एनालॉग इनपुट है उसके थ्रू, एनालॉग इनपुट भी 8 चैनल के एनालॉग इनपुट में कन्वर्ट हो जाएगी ये बोर्ड के थ्रू। ठीक है, मैं इसे पावर सप्लाई करके इसका जो फंक्शंस और है जो बता देता हूँ। इसे 12 वोल्ट 7812 के रेगुलेटर के थ्रू रेगुलेट करके दीजिए ताकि इसका कंपोनेंट सेफ रहे एंड ज़्यादा थोड़ा वोल्टेज का स्पाइक भी होगा, हाई वोल्टेज आएगा तो फिर ये बोर्ड खराब हो सकती है। इसमें पावर आ गया एंड एक पावर इंडिकेटर्स है बोर्ड के, बोर्ड में जो पावर इंडिकेटर है वो ग्लो करने लगेगी एंड आप देख सकते हैं अभी आप देख ही सकते हैं इसमें 7.1 के ऑप्शन है वो ग्लो करने लगेगी डिस्प्ले यूनिट में। ठीक है, इसका बाकी ऑप्शन इनपुट आउटपुट सब दिखा देता हूँ। आउटपुट तो 7.1 मतलब 8 चैनल के आउटपुट है, 6 सराउंड चैनल एंड एक सेंटर एंड एक सबवूफर के चैनल से। सो रिमोट फंक्शंस हैं इसमें, FM ऐसे एंड अभी ब्लूटूथ चालू हो गया। इसमें अभी FM चेक कर लेते हैं, FM में भी 7.1 चलेगा एंड देन USB USB ड्राइव नहीं है, उसके लिए डिडक्ट नहीं हो रहा है, SD कार्ड भी नहीं है।
ब्लूटूथ मोड, ऑक्स वन, ऑक्स टू, यानी ऑप्टिकल वन एक ही इनपुट है, कोएक्सियल वन, कोएक्सियल टू, HDMI एक ऑप्शन है बट इसका जो कंपैटिबल बोर्ड अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सो वो अवेलेबल हो जाएगा तो HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 एंड ARC के चैनल भी वर्क करेंगे HDMI के। एंड अभी इसमें फंक्शंस की है, इक्वलाइजर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस चेंज करने के लिए 3 स्टेप के ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस 1, 2, 3, 4, ओके 5 स्टेप के ब्राइटनेस है, तो ये डिफॉल्ट की ऑप्शन है। ओके एंड ये प्रोलॉजिक टू ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं इसमें, ये प्रोलॉजिक टू आ गया, ये भी 4D ऑन 4D सराउंड साउंड सुनने मिलेगा इसके थ्रू, ये 4D ऑफ हो गया अभी, बाकी बेस ट्रबल कंट्रोल, ये बेस कंट्रोल, साउंड मोड में आप एक इंडिविजुअल चैनल के साउंड वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं उसमें, एंड देन बाकी इसमें न्यूमेरिक कीपैड्स है जो सॉन्ग्स को सेलेक्ट करने के लिए नंबर के बेसिस पे, एंड ये अभी इसमें 2.1 चैनल वर्क करेगा, 5.1 एंड 7.1। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही है, मैं नेक्स्ट ये रिमोट यूज़ करके एक एम्पलीफायर बनाऊंगा, सो सब्सक्राइब करें एंड अच्छा लगा तो लाइक करें, कुछ कमी रहा तो कमेंट में बता दीजिए, थैंक यू।